अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे से यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अब मैं यहाँ ऑफिस से निकल रही थी तो मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ। शाम का टाइम था, अंधेरा हो चुका था। सर्दियों में जैसे कि आप जानते हैं अंधेरा जल्दी हो जाता है और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा थी, तो यहाँ पर मैं निकल रही थी ऑफिस से। और सर्दी तो बहुत ही ज़्यादा थी। अच्छा, एक और बात, मैंने यूट्यूब के चैनल का अभी तक किसी को भी नहीं बताया, मेरी फैमिली में कोई नहीं जानता अभी तक। तो यहाँ पर फिर अंकल जो है वो ऑटो वाले अंकल जो है वो यहाँ पर दूध ले रहे थे, तो मैंने उनकी भी वीडियो बना ली। एक्चुअली मैंने ऑटो लगवाया हुआ तो उन्हीं के साथ ही मैं वापस आती हूँ ना, तो सुबह तो वो छोड़ आते हैं और वापसी पे फिर ऑटो लगवाया हुआ है। और यहाँ पर मैं उन्होंने मुझे उतार दिया था गली के बाहर ही, और फिर मैं पैदल यहाँ से गली अंदर घर तक मैं फिर पैदल ही आती हूँ। तो यहाँ पर फिर मैं घर आ रही थी, अंधेरा काफ़ी था आगे और सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी, तो बस मैं, और भूख बहुत लगी हुई थी। लंच तो किया था लेकिन भूख बहुत लगी थी काम कर कर के ना। यहाँ पर मैंने फिर खाना खा लिया तो सब कहते हैं कि जल्दी से जाओ चाय बना लो, तो मैं फिर आ गई किचन में। यहाँ पर मैंने पहले दूध डाला और गैस बहुत कम था, गैस बहुत कम थी कि चाय नहीं बन रही थी। और मैं इस टाइम चाय नहीं पीती, मैं दूध पीती हूँ, तो इसलिए फिर मैं यहाँ पर पहले गर्म करके और अपने लिए दूध सेपरेट निकाल लूँगी और बाकी सब के लिए चाय बनेगी। और मेरी आदत है, मैं ना चाय बनाते वक्त ही बार बार इसे फेंटती हूँ, मतलब जिस तरह वो बाज़ार में आपने देखा होगा ना चाय वाले जिस तरह बनाते हैं उस तरह। यहाँ पर भी मैंने अपने लिए दूध अलहदा निकाल लिया था और बाकी के मैंने पत्ती डाल ली थी और उनकी चाय बना रही थी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मैं अच्छी अच्छी सी वीडियोस आप ताकि मैं अच्छी अच्छी सी वीडियोस आप लोगों के लिए बना सकूं। और यहाँ पर मैं पत्ती का जो है वो कलर निकाल रही थी। हमारे घर ना पत्ती थोड़ी सी तेज़ पीते हैं और चीनी बहुत कम पी जाती है, तो सबसे पहले मैं अम्मी जी के लिए चाय निकालूँगी क्योंकि वो फीकी चाय पीती हैं, उन्हें शुगर है, तो मैंने उनकी चाय निकाल ली थी। अब यहाँ पे मैंने चीनी भी इसमें डाल दी और चीनी डालने के बाद फिर से मैं इसे थोड़ा सा पकाऊँगी और उसके बाद मैं सबकी चाय डाल के मैं फिर कप में मैं अंदर रह जाऊँगी। ये थी मेरी ऑफिस से आने की रूटीन, सिर्फ इतनी सी ही होती है। और खाना वगैरह खाने के बाद चाय बनानी है और उसके बाद अपना अपना काम करना है। इसके बाद मैं छोटी सिस्टर को पढ़ाने लग गई थी। ये थी मेरी वीडियो, अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर मैंने कप में भी चाय डाली थी। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।